हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहरहाल आज से याद रखो, एक सबक अगर आपने पढ़ लिया, जब पानी पियो तो बैठ करके और तीन सांस में पियो। कुछ बातें बड़ी अजीब हैं, देखने में आपको आसान और अदा करो सुन्नत भी हो जाए, काम भी चल जाए। बेशक बेशक। बोलो, जैसे जूता चप्पल पहनते हो ना, कितना आसान है। जब पहनना हुआ करे तो दाहिना पैर पहले डाल दो, बायां बाद में डालो, देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। बेशक। जब पैजामा पहनो, बोलो पहनते हो ना, अरे इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाओ तो सर पे कपड़ा डाल लो, रुमाल लगा लो, टोपी पहन लो। और जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धो लाओ। हम लोग ऐसा नहीं करते, जो सबसे बड़ा और अहम दिखाई पड़ा उसी के हाथ धोलाने लगे। अब बताओ, अगर तुम बड़े के हाथ धोलाओगे तो छोटा बैठे बैठे क्या सोचेगा, या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। सुभान अल्लाह। पहले बच्चे के हाथ धोलाओ, खाने से जब फारिग हो जाओ तो सबसे जो बुजुर्ग हो उसके हाथ धोलाओ। अच्छा, आजकल तो बड़े मखसूस लोगों ने फैशन बना रखा, दस्तरखान लगा, पूरी प्लेट भर गई, खाने भर खाने, आधा खाया आधी प्लेट छोड़ दिया। एक पीर साहब से मैंने पूछा, हजरत कल तबर्रुक है, तबर्रुक छोड़ दिया। अरे हमने कहा ऐसा है, मुरीद की प्लेट मंगाइए और एक नेवाला उससे खा के तबर्रुक बना दीजिए, मगर अपनी प्लेट को साफ सुथरा कर दीजिए, ताकि लोग आपको देख के सीख लें कि प्लेट साफ करना सुन्नत है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये तबर्रुक के चक्कर में सुन्नतों को मत मिटाओ। बेशक। उनके घर का सामान मंगा के उसे तबर्रुक बना दो। पहले क्या होता था, लोग आते थे पीर साहब लोगों के पास के, हजरत चलिए थोड़ा दो मिनट कदम रख दीजिए। अब ऐसे ऐसे पीर निकले हैं, खुद कहते हैं कि चलो हम दो मिनट आपके घर कदम रख देते हैं। कमाल है यार इन पीरों का हाल, खुद ही कदम रखने के लिए तैयार है। कौन सा कदम है, अल्लाह अकबर। आप तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला इन फराडियों से महफूज फरमाए और इन भोले भाले सुन्नियों की इस्लाह हो जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, काम बड़ा आसान, इसलिए दोस्तों दिमाग लगा लगा करके काम किया करो, काम बहुत बेहतर बन जाएगा। पानी पीते हो, बोलो अब समझ गए ना, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगरपालिका की टंकी का पीते हो ना सारा पानी बैठ के। और अगर कोई हाजी जी आबे जमजम लाके दे दें, माशाल्लाह खड़े हो जाओ। मैंने कहा यार ये आबे जमजम के लिए क्यों खड़े हो गए। अच्छा आप खड़े हो तो कोई हैरत की बात नहीं, ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, वो भी पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। बेशक बेशक। बोलो, मैंने कहा आबे जमजम के लिए क्यों खड़े हुए। कहा हजरत ये पानी एक नबी की एड़ी से छू गया है। वाह वाह। नबी की एड़ी से टच हो गया है। अरे पानी नबी की एड़ी से छू जाए, उस पानी की ताजी। हाजी जी हज करके आए, बच्चों ने कहा भीड़ बहुत हो गई। हाजी जी ने कहा 5 लीटर पानी अलाउ किया था हज कमेटी ने, एक ड्रम लाओ और महल्ले वाला पानी और मक्के वाला पानी दोनों मिला दो। अब जब दोनों मिला दिया गया, जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा भाई आबे जमजम को खड़े होके पीते बात समझ में आती, ये श्याम नगर वाले के लिए क्यों खड़े हो गए। अबे मक्के वाले के लिए खड़े होते, ये श्याम नगर वाले के लिए क्यों खड़े हो गए। तो आप कहेंगे हजरत ये श्याम नगर वाला पानी मक्के वाले पानी से छू गया। वाह वाह। अच्छा देखो एक बात बताओ, वजू करते हो ना, बहुत धीरे से बोला जी नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। बेशक। नमाज पढ़ो, गाफिल ना हो नमाज से, गफलत ना करो नमाज से,
पढ़ो नमाज। दोनों जहान में कामयाबी का जरिया है नमाज। तुम्हारी निजात का सबब है नमाज। रिस्क में कुशादगी का सबब है नमाज। रिजाए इलाही का सबब है नमाज। बलाएं टल जाएंगी पढ़ो नमाज। घरों में रहमतें सावन भादों की तरह बरसेंगी पढ़ो नमाज। पहले लोग वजू करते थे तो किससे? लोटा और बदना से, यही चलता था ना। अब तो पाइप है, टोटी है। पहले लोटा बदना वजू के लिए बैठे, वजू किया जितना पानी बचा। क्या करते थे चचा बताइए, जल्दी बताइए। सब लोग देहाती में पैदा हुए हैं करीब करीब, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या समझ के आप पीते थे? तो आप तो यही समझ के पीते थे वजू का पानी है। लेकिन मैं आज बताऊंगा आपको, वजू का नहीं है। जो वजू वाला था ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। ये बचे हुए के लिए आप क्यों खड़े हुए? ये बचे हुए के लिए आप क्यों खड़े हो? तो आप कहेंगे, हजरत ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है। अरे मोहब्बत से बताओ, एक पानी वजू के पानी से छू जाए, एक पानी आबे जमजम से मिल जाए, तो उस पानी की ताजीम तो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन की ताजीम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुम्बदे खजरा में है वो जन्नत से बढ़कर है। वाह वाह। और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो उसकी जाते पाक का क्या आलम। सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी मौके पर बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, मखदूमुल मशायख, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह कछौछा शरीफ। जानते हो ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाया। बेशक बेशक। बहुत पाए के बुजुर्ग। वो गए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और वापसी जिस दिन हो रही थी तो एक मुरीद आया और बोला, हजरत दो मिनट मेरे घर तशरीफ ले चलें। हजरत ने फरमाया, अब्दुल मजीद टाइम नहीं है, फिर देखा जाएगा। कहा, हुजूर दो मिनट? मुरीद तो जानते हो कितने जिद्दी होते हैं। हजरत गए उसके दरवाजे पर खड़े हुए, कहा, अब्दुल मजीद एक मिनट पूरा हो गया। वो घबरा गया कि उसूल और जब्ते के पाबंद है, दूसरे मिनट में आप चले जाएंगे। दौड़ा दौड़ा अंदर गया, बीवी से कहा, सरकारे कला आए, सैयद साहब आए हैं, कछौता शरीफ के सज्जादा नशीन आए। तब कहा, वो एक गिलास पानी दे दो। बीवी ने कहा, अंदर बैठाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ। कहा, नहीं, एक गिलास पानी दे दो, रुकेंगे नहीं। बीवी ने एक गिलास पानी दिया, ले जाकर के पेश किया शौहर ने। हजरत खड़े थे, खड़े खड़े पानी पीने लगे। अगल बगल कुछ मौलवी खड़े थे, इन मौलवियों से कहां बर्दाश्त हो, बस यूं टहनी चलने लगी। देखा, सैयद साहब पानी खड़े खड़े, सज्जादा नसीम पानी खड़े खड़े। सरकारे कला ने पीछे देखा, कहा, भाई मौली साहब क्या बात है? कहा, कुछ नहीं हजरत, आपस में बातें चल रही हैं। हजरत फरमाते हैं, हम भी तो आपस ही के हैं। वाह बेशक। बताओ तो वाकिया क्या है? का कुछ नहीं, हम लोग मुरीदों पे नाराज हो रहे थे, समझते बूझते हैं नहीं, हजरत के जाने का टाइम हो रहा था और हजरत को जल्दबाजी में याद नहीं रहा। वो देखो हजरत ने खड़े खड़े पानी पी लिया। हजरत कोई खास बात नहीं है, अरे हजरत ये होता रहता है, अरे हजरत आप दिल में एहसास न कीजिएगा, अरे जरा बराबर ख्याल न कीजिएगा, कोई बात नहीं हजरत। तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, कहा, मौलवी साहब सूफिया किराम आबे जमजम को तो खड़े ही होके पीते हैं। वाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अब ये बात तो अब्दुल मजीद को भी नहीं मालूम थी कि ये आबे जमजम है। दौड़ा दौड़ा अंदर गया, बीवी से कहा, भाई ये बता हजरत को पानी कौन सा दिया था? कहा, मैंने आपसे कहा खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ, आपने कहा नहीं टाइम नहीं है, पानी दे दो।
तो मैंने कहा अगर पानी ही देना है तो कराची वाला पानी क्यों दूं? मेरे घर में मक्के वाला पानी रखा था, आबे जमजम रखा था, मैंने वो आबे जमजम दिया था, कहा इसीलिए तो खड़े होके पी रहे थे। वाह बेशक। अब मैं मोहब्बत से बताओ मुझे, प्यार से समझाओ कि जब एक वली की गैबदानी का ये आलम है तो इल्मे गैबे मुस्तफा का क्या आलम हो। सुभानल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर गाजी इस्लाम, शेर मखदूम सिमना, खलीफे हुजूर सरकार कलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जिस पानी से आप वजू करते हैं वो दो गंदगियों को धुलता है, एक आजाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी होती है उसकी धुलाई, और दूसरे आजाए वजू से जो आपने गुनाहे सगीरा किया उसकी धुलाई। दो गंदगियों को वजू का पानी धुल देता है। इसीलिए मुफस्सिरे ने किराम फरमाते हैं कि दोबारा माए मुस्तमल को इस्तेमाल मत करना। फुकाहे किराम की इस्तिलाह में इस पानी का नाम माए मुस्तमल है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसे इस्तेमाल न करना वरना मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। क्यों? इसलिए कि ये पानी जिससे तुमने वजू किया ये दो गंदगियों को धुल के निकला है, अब मत इस्तेमाल करना वरना बीमारी पैदा हो जाएगी। अरे सुनो, ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, तुम्हारा इस्तेमाल करो तो बीमारी हो जाए, फुकहा रोक दें अब इस्तेमाल न करना, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहे हो रहमतुल्लिल आलमीन, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। जाहिर सी बात है, जब साहबी ने कहा होगा खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो तो दूसरे साहबी ने कहा होगा ना पानी नहीं है, वो तो समझ ही में आ रहा है पानी नहीं है, लेकिन कहा क्यों? इसलिए कि इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है। वाह वाह, तो लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। सहाबा इस तरह दौड़ते थे नबी के वजू के पानी को लेने के लिए, लगता था आपस में नेजा हो जाएगा। ये नबी के वजू का पानी है, मुस्तफा जाने रहमत वजू कर ले तो सहाबा उसे तबर्रुक बना डाले, पानी का कतरा जमीन पे गिरने ना दे। अरे जो कौम अपने नबी के वजू का पानी का कतरा जमीन पर गिरने ना दे, वो सहाबा अपने नबी का खून कैसे बहने देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, कि नबी की इत्तेबा में चले, और अगर कभी भी नबी के दाएं आए, बाएं आए, आगे जाएं, तो समझ लेना दुश्मन का तीर आ रहा है, जिसे रोकने के लिए सहाबा अपना सीना बढ़ाते चले जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, तो बात समझ में आ गई, नबी के वजू का पानी कितना बेमिसाल है। बेशक, हमारा वजू, हमारे वजू का पानी, उम्मती के वजू का पानी, नबी के वजू का पानी बराबर नहीं है। बोलो ना, बराबर नहीं है। तो जरा पड़ोसियों को समझा दिया करो कभी कभी। अब जब हमारे तुम्हारे वजू के पानी को देखो, वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है, तो कोई इंसान कैसे नबी के बराबर हो सकता है? कोई आदमी कैसे नबी के बराबर हो सकता है? कोई चलता फिरता इंसान कैसे रसूल के बराबर हो सकता है? नबी की बराबरी करने वालों सुन लो, तुम्हारी बीवी बहुत फरमा बरदार हो, कनीजे फातिमा ही क्यों ना हो, और अगर शौहर की खिदमत करने लगे, कपड़े धुलने लगे, वैसे इस दौर में तो मुमकिन नहीं है, पहले की औरतें फरमा बरदार होती थी,
बताइए आप आपका क्या नाम है? शादी हुई हो गई? तब तो कुछ मालूम है। मैंने एक जलसे में पूछा कि पहले की औरतें बहुत शोहरों की फर्माबरदार होती थी। एक छोटा सा बच्चा बोला जी। अबे मैंने कहा है 10 साल का, खबर 80 साल की दे रहा है। वाकई पहले औरतें शोहरों की बड़ी फर्माबरदार थी, मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई है, अब मर्द खुद ही फर्माबरदारी करने लगे। लेकिन कोई खनीजे फातिमा हो उसके मूड की बात है। कपड़े धुलने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी इतनी बदबू। ये तुम्हारे कपड़ों का हाल है, तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके, मगर शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की। अगर मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक जाएंगी। मेरे रसूल जिन गलियों से गुजर जाएं, सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो रास्ते की खुशबू बता रही है। अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है, अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा है। नबी से ताल्लुक बनाओ, दुनिया में भी काम आएगा, आखरत में भी। बोलो बेशक, बेशक। अपने आका से मुस्तहकम ताल्लुक पैदा करो, दिलों में मोहब्बत रसूल का जज्बा उतारो, पैगंबर से प्यार करो। याद रखना अगर नबी से मोहब्बत हो गई तो इस सीने को जहन्नम की आग जला नहीं सकती। बेशक। जलेगा तो वही सीना जिस सीने में नबी का बुग्ज भरा हो, नबी की अदावत भरी हो, नबी की नफरतें भरी हो, और जिस सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है वो दुनिया में भी सीना है, आखरत में भी सीना है। और मैं इसीलिए तो कहता हूं वो सीना सीना नहीं है, वो मोहब्बत रसूल का मदीना है। बेशक बेशक। तवज्जो कीजिए जरा सा और समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी प्यारी बात मुझको याद आ गई। इस मजमे में कुछ हाजी लोग हैं क्या? बैठे हैं हाजी सरफराज साहब होंगे, हाजी सरदार खान साहब, और भी लोग होंगे। देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब यौम अरफा में आप मैदान अरफात में होते हैं तो हुक्म क्या है? वकूफे अरफा करो, यहां ठहरे रहो। जोहर मैदान अरफात में, असर मैदान अरफात में, और हाजियों के लिए हुक्म है जब असर की नमाज पढ़ लो तो जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। बेशक। मुतवज्जे हो जाओ जबले रहमत की तरफ, और मैदान अरफात की सरहदें ना छोड़ना जब तक मगरिब की अजान ना हो जाए। वाह वाह। यहां से जाना मत जब तक मगरिब की अजान ना हो जाए। अब जैसे ही मगरिब की अजान हो गई, हाजी चलने लगे, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता। जब जिससे मसला पूछो, मगरिब की अजान हो रही है और नमाज कहा नहीं, पढ़ना नहीं। कहां पढ़ोगे? मुज़दलिफा में। अजान से पहले मैदान अरफात से निकलने की इजाजत नहीं है, और अजान हो जाए निकल पड़ो, नमाज मगरिब की इजाजत नहीं है। सुन लो वकूफे अरफा करने वालों, मस्जिद कुबा में, मस्जिद जुमा में, मस्जिद क़िबलतैन में, मस्जिद अबू ज़र ग़फ़ारी में, मस्जिद बिलाल में, मस्जिद सिद्दीक अकबर में, मस्जिद फारूक आजम में, मस्जिद उस्मान गनी में, मस्जिद मौला अली में, जहां जहां मस्जिदें हैं, सूरज डूबा मगरिब हो रही है, सूरज डूबा मगरिब पड़ी जा रही है, सूरज डूबा मगरिब की अदायगी हो रही है। मगर हज करने वालों तुम मगरिब मत पढ़ना, यहां मत पढ़ना, और सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं। सूरज डूब गया है, मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने कहा अल्लाह सूरज डूब गया, हम तो इबादत ही के लिए आए थे, मगरिब नहीं पढ़ सकते। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, का मेरे बंदो जब मैदान अरफात में मेरे महबूब ने मगरिब नहीं पढ़ा, वाह 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 वाह, तो तुम कैसे पढ़ोगे? वहीं पढ़ना जहां हबीब ने पढ़ा था, मुज़दलिफा में पढ़ना जहां मेरे रसूल ने पढ़ा था। हमने कहा अल्लाह वहां जाते जाते 10 किलोमीटर का सफर है, ये तो मगरिब का वक्त निकल जाएगा, नमाज कजा हो जाएगी, मगर देखो तो खुदा अपने महबूब की अदा को कितनी पसंद करता है, कितना पसंद करता है। अल्लाह की रहमत आवाज दे रही है, बंदो आज अगर तुम मगरिब की नमाज ऐशा के वक्त मुज़दलिफा में पढ़ोगे तब भी
तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कजा नहीं होने देगा, आधा ही कबूल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसाल। इसलिए कि तुम मेरे महबूब की अदा को अदा कर रहे हो। बेशक बनाओ रसूल से ताल्लुक, बेशक बनाओ रसूल से निस्बत, करो पैगंबर से मोहब्बत। एक आखिरी बात सुन लीजिए तवज्जो के साथ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए और एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया, सरकार मदीने में रहने लगे, तो सहाबा के लिए कानून बन गया, जिस सहाबी को जैसी सहूलत मिले वैसे ही मक्का छोड़ के वो मदीने में आ जाए। मैं तवज्जो चाहता हूँ, जैसी जिसकी सहूलत बने मक्का छोड़े और मदीना आ जाए। उसके बाद होते होते कानून में सख्ती आ गई, इतना सख्त कानून बन गया कि बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है, मक्के में रहना हराम है, बगैर उज्र के कोई मक्के में नहीं रह सकता। अब मक्के में रहना हराम है, बगैर उज्र के कोई मक्के में नहीं ठहर सकता। यह कानून किसके लिए था? सहाबा के लिए। कहां रहना हराम? मक्के में। जहां मीना वहां रहना हराम, जहां मुज़दलिफा वहां रहना हराम, जहां सफा मरवा वहां रहना हराम, जहां मैदान अरफात वहां रहना हराम, जहां मीज़ाबे रहमत वहां रहना हराम, जहां मस्जिद हराम वहां रहना हराम, जहां काबतुल्लाह वहां रहना हराम। क्यों? इसलिए कि मक्के में सब कुछ है मगर बंदो अब मेरा महबूब नहीं है। मेरा महबूब तो मदीने चला गया है, मेरा हबीब तो मदीने चला गया है। ये है ताल्लुके मुस्तफा, ये है निस्बते मुस्तफा। इसलिए दोस्तों अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, अपनी औलादों को आशिके रसूल बनाओ, इश्क मुस्तफा का जाम पिलाओ, घरों में अपने मुस्तफा की मोहब्बत सिखाओ। ये एक ऐसा फार्मूला है, आपको मैं बता दूं, अगर आपने अपने को और अपनी औलाद को आशिके रसूल बना लिया तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको गुमराह न कर पाएगा, बेशक बेशक कोई बदकीदा अपनी झोली में न ले जा पाएगा। आशिके रसूल बनाओ, अपने को बनाओ, अपनी औलादों को बनाओ, सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम नूर जहां नूर कैसर जहां मस्जिद श्याम नगर की इस आबादी को इसी तरह सलामत रहे और ख्वाजा गरीब सलामत रखे, ख्वाजा गरीब नमाज की मोहब्बत में जिस तरह ये लंगर करते हैं, जश्न करते हैं, उलमा का एहतमाम करते हैं, पूरे शहर भर के यहाँ उलमा जमा हैं, इसी तरह अल्लाह ताला इनको शादा फरहा और नाजा रखे। हमारे मस्जिद कमेटी के लोग, महल्ले के लोग, इमाम साहब हाफिज़ क़ारी न्याज साहब की सरबराही में जिस तरह दीनो सुनियत का काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।